नमस्कार, मैं हूं लुभावना शर्मा और आप देख रहे हैं आवाज इंडिया न्यूज का खास प्रोग्राम। कन्याकुमारी मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। अगर आप सभी कन्याकुमारी की यात्रा पर जाएं तो यहां एक जगह ऐसी है जो निश्चित रूप से आपको देखनी चाहिए। वो है कन्याकुमारी अमन मंदिर, जिसे कन्याकुमारी मंदिर भी कहा जाता है। भारत के कई लोग तीर्थ यात्रा और कुमारी अमन मंदिर के दर्शन करने आते हैं। समुद्र तट के किनारे स्थित ये शानदार मंदिर दुनिया के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक है। कुमारी अमन मंदिर 108 शक्तिपीठों में से एक के रूप में माना जाता है। ये मंदिर देवी कन्या कुमारी का घर है, जिसे वर्जिन देवी के रूप में माना जाता है। आपको बताते हैं कि 3000 साल से भी ज्यादा पुराने इस मंदिर का न केवल धार्मिक बल्कि ऐतिहासिक महत्व भी है। कुमारी अमन मंदिर या कन्याकुमारी मंदिर समुद्र के किनारे स्थित है और भगवान शिव से विवाह करने के लिए आत्मदाह करने वाली कुमारी देवी पार्वती के अवतार के लिए जाना जाता है। कथाओं के अनुसार भगवान शिव और देवी कन्याकुमारी के बीच शादी नहीं हुई थी, इसलिए कन्याकुमारी ने कुमारी रहने का फैसला किया। ये भी कहा जाता है कि शादी के लिए जो अनाज इकट्ठा किया गया था उसे बिना पकाए छोड़ दिया गया और वो पत्थरों में बदल गए। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कन्याकुमारी के अमन मंदिर के बारे में और जानते हैं मंदिर से जुड़ी कुछ अहम बातें। कन्याकुमारी मंदिर के पीछे की पौराणिक कथा के अनुसार राक्षस बाणासुर ने सभी देवों को पकड़ लिया था और उन्हें अपनी कैद में रखा। वरदान के अनुसार वह कुवारी लड़की द्वारा ही मारा जा सकता था, इसलिए देवताओं की प्रार्थना और विनती करने पर देवी पराशक्ति ने कुमारी कन्या का रूप धारण कर लिया ताकि राक्षस का वध किया जा सके। समय के साथ भगवान शिव को कुमारी से प्यार हो गया और उनकी आकाशीय शादी की व्यवस्था की गई। ऋषि नारद, जो इस तथ्य से अवगत थे कि राक्षस बाणासुर को तभी मारा जा सकता है जब देवी अविवाहित रहे, कई तरीकों से शादी को रद्द करने की कोशिश की गई, पर वह सफल नहीं हो सके। उन्होंने जब वह सफल नहीं हो सके तो आधी रात के लिए शादी का समय तय किया। जिस दिन भगवान शिव ने विवाह के लिए अपनी यात्रा शुरू की, तब ऋषि नारद ने मुर्गे का रूप धारण किया। भगवान शिव मुर्गी की आवाज सुनकर ये सोचकर वापस लौट गए कि शादी का शुभ समय बीत चुका है, जबकि देवी उनके इंतजार में रह गई थी। बाद में देवी ने अविवाहित रहने का फैसला किया। हालांकि जब देवी की सुंदरता से मंत्रमुग्ध दानव बांसुर ने उससे जबरन शादी करने की कोशिश की, तो उसने उसे अपने चक्र से मुक्त करने के साथ साथ अपने चक्र गदा के साथ उसका सर्वनाश कर दिया। बाद में बाणासुर ने देवी से दया मांगी और उसने पापों को ना करने की प्रार्थना की। देवी ने उसे माफ कर दिया और पवित्र संगम के पानी को आशीर्वाद दिया। ऐसा कहा जाता है कि जो भी यहाँ के पानी में डुबकी लगाता है वह अपने पापों को धो देता है। अन्य कथा के अनुसार संत नारद और भगवान परशुराम ने देवी से कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर रहने का अनुरोध किया। भगवान परशुराम ने बाद में समुद्र के किनारे एक मंदिर का निर्माण किया। उन्होंने तब देवी कन्या कुमारी की मूर्ति स्थापित की। मंदिर के पास एक और पवित्र स्थान है। फिलहाल के लिए इस प्रोग्राम में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आवाज इंडिया न्यूज़।